फ्रेंड्स, मेरे दो सब्सक्राइबर्स हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि कंसिस्ट ऑफ और कंसिस्ट इन में क्या फर्क है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम कंसिस्ट ऑफ और कंसिस्ट इन का इस्तेमाल कैसे करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और यूट्यूब पर पहली बार ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत पसंद आएगा। कंसिस्ट ऑफ मीन्स से बनी है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात कंसिस्ट इन की करें तो कंसिस्ट इन मीन्स में शामिल है। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एग्जांपल में समझे ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। फ्रेंड्स, दिस लैपटॉप कंसिस्ट ऑफ 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक कार्ड्स एंड 1 TB हार्ड डिस्क। तो फ्रेंड, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि यह लैपटॉप 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक कार्ड्स और 1 TB हार्ड डिस्क के साथ बनी हुई है। यानी मैंने अपने सेंटेंस में यूज किया कंसिस्ट ऑफ, जिसका मतलब हुआ बनी हुई है। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल कंसिस्ट इन की देखते हैं। दिस पैकेट कंसिस्ट इन 25 टी बैग, यानी इस पैकेट के अंदर 25 टी बैग शामिल है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि कंसिस्ट इन का मतलब ये नहीं होता कि बनी है, बल्कि कंसिस्ट इन का मतलब होता है कि किसी चीज में कोई चीज शामिल है या उसके अंदर है, जबकि कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कि कोई चीज किसी चीज से मिलकर बनी हुई है। आइए फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस मोबाइल कंसिस्ट ऑफ 2 GB रैम, 4 इंच रेटिना डिस्प्ले, 12 MP रियर कैमरा विद लियोन बैटरी। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि यह मोबाइल 32 GB रोम, 2 GB रैम, 4 इंच रेटिना डिस्प्ले, 12 MP रियर कैमरा और लियोन बैटरी के साथ बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बोला कंसिस्ट ऑफ, यानी इन चीजों से मिलकर ये चीज बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बात कंसिस्ट इन की करें तो मैं आपसे कहूंगा दिस मोबाइल कंसिस्ट इन जीमेल ऐप, फोटोज गैलरी, फेसबुक, गूगल पे एंड यूट्यूब क्रिएटर। यानी इस मोबाइल में ये ऐप शामिल हैं, यानी इस मोबाइल में ये ऐप्स हैं। यहाँ कंसिस्ट इन का मतलब ये नहीं हुआ कि इन ऐप से मिलकर बनी हुई है, नहीं, कंसिस्ट इन का मतलब कि इस चीज में ये चीज है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको कंसिस्ट ऑफ और कंसिस्ट इन का मतलब समझ में आया कि कंसिस्ट ऑफ मतलब कोई चीज किसी चीज से मिलकर बनी हुई है, जबकि कंसिस्ट इन का मतलब किसी चीज में कोई चीज शामिल है। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर 2 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 2 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।